और YouTube चैनल और खेलने वाले PUBG मोबाइल और आज हम लेके आ चुके हैं बड़े दिनों बाद PUBG मोबाइल का गेम प्ले। तो इधर मैं पोचिंग की में आया था, इधर जल्दी से पहले लूट लेते हैं फिर आगे रश करते हैं पोचिंग की में। इधर मैं स्क्वाड हाउस लूट चुका था, तभी मेरे को एक बोर्ड दिखता है, मैं बोर्ड को यहाँ पे लुटका देता हूँ अपने लुटकाते ही पता नहीं बोट हमें क्या बदलाव ले जाता है फ्रेंड्स यार जाता है। मेरी पिंग एकदम से हाई होने लगती है, पिंग बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने लगती है। ये पबजी के नशे यार, पबजी वाले पता नहीं कब ख़त्म करेंगे, मुझे तो समझ नहीं आता जल्दी से इसकी लूट ले लेते हैं पोचिंग की में यार। इसके बाद कोई आया नहीं था, हम थोड़ा आगे की साइड आते हैं, मेरा टीममेट गाड़ी लेने के लिए आता तभी वो बताता है कि इधर की साइड बंदे हैं, वो इधर की साइड फायर भी करने लगता है बंदों के ऊपर। तो हम भी थोड़ा स्कोप करके स्काउट करने लगते हैं कि बंदा है किधर आके, तो देखिए बंदा है किधर। तभी गाइस ये जो इच्छाधारी नागिन था ना एकदम से यहाँ पर है, ये पहले तो बोर्ड मारकर कहता है बंदा भी दिख गया इच्छाधारी नागिन, बग्गी के पीछे लेटी हुई थी नागिन। ये नागिन एकदम से जैसे मैं उसके गोली मारता हूँ लेकिन वो बच जाता है। चलिए इधर फिनिश करते हैं, बेचारा अकेला ही है क्या ही कर लेगा। तो हम अपने टीममेट के साथ यहाँ पे रश मार देते हैं अंदर, पहले हम एक डोनेट कर देते हैं, मेरे टीममेट भी इसमें मोली डाल देते हैं और हम तुरंत ही रश कर देते हैं अंदर बिना किसी इंतजार के। भाई साहब कोने में बैठे हुए थे, इनको नॉक करते हैं, इनको नॉक करते हैं, इनका जो साथी होता है वो भगा भगा आने लगता है अपने टीममेट को बचाने के लिए। जब मेरा टीममेट बोलता है भाई इसका साथी आ रहा है मार, तो तभी जब एकदम से मेरे को साथी के फुट स्टेप आते हैं कि नीचे वाले रूम में घुस चुका है, जब मैं वहाँ पर रश मारता हूँ इसके साथ कर पाता था साथी, इसका साथी बेचारा डर के मारे यहाँ पे बैठ जाता है, सोचता है कि यार क्या तीन बंदे ऊपर, इससे प्लेयर गन भी मिल जाती है तो लूट वगैरह एडजस्ट करते हैं। पर हम लूट कर ही रहे होते हैं उतने में मेरे डाल की आ जाती है, देता हूँ हेड शॉट मारता हूँ तो ये बंदा लिट तो होगा, मैंने इसकी हेल्थ तो लो करी थी क्योंकि M7 का हेड शॉट लगा सोचे तो मेरा टीम में ज़्यादा बन तो यहाँ पे ये वाला हो चुकी थी। तो अब हम सोचते हैं कि चलिए आगे रस मारते हैं अपनी दूसरी डांसी वहाँ से उठाते हैं, जब भी देखते हैं कि इसमें फ्यूल थोड़ा कम है तो हम दूसरी वाली डांसी चेक करते हैं। इसके अंदर फ्यूल था उससे ज़्यादा और मेरे पास दो गैस कैन भी थी, तो मैं एक अभी फ्यूल रिफ्यूलिंग कर लेता हूँ, अपनी टीम को बुला देता हूँ कि जल्दी से आ जाओ गाड़ी के अंदर लोड हो जाओ। मेरे दोनों टीम गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, उनके बैठ के हम निकलते हैं स्कूल की साइड जा रहे होते हैं और यहाँ हमारे स्कूल की साइड जा रहे होते हैं और स्कूल की साइड जाते जाते भाई अगर जून भी उधर ही होता है तो हमें मेनली हम जून जा रहे होते हैं, स्कूल की साइड नहीं जा रहे होते, पहले हम जून की साइड जा रहे होते हैं। लेकिन हम जैसे ही इधर की साइड आते हैं आगे तो भाई साहब तबाही मच रही होती है, बंदे लड़ रहे होते हैं बहुत बुरी तरह से, चलते हैं फिर बचाते हैं बंदों को जो इन पर अत्याचार हो रहा था। यहाँ पर मैं तुरंत ही अपनी गाड़ी यहाँ पर रोकता हूँ, यहाँ ठोक देता हूँ तभी एक बंदे के ऊपर से फुट स्टेप आते हैं, हम ऊपर कूद जाता है, जैसे वो नीचे कूदता है तो मेरा टीममेट भी भाग के नीचे कूदता है लेकिन मेरे को कूदने नहीं देता है, तो मैं वापस पीछे आता हूँ, मैं पीछे से रश कर देता हूँ उस पर टीममेट इसको खाने की, मेरे टीममेट के बहुत कम खेल थे 3 नंबर बेचारा, तो फिर गोली ख़त्म हो गई थी बेचारा गन अपने पीछे रख रहा था। तो तभी सामने से भी फायर आता है, मैं सामने होता नहीं है तो मैं फिर सोचता हूँ टैप टैप करके मारता हूँ इसको, फिर मैं इसको कॉल दे देता हूँ कि भाई जल्दी चलो ये बंदा सामने नॉक है, इसको रश करके इन्हें ख़त्म कर देते हैं जल्दी से। वैसे मैं चिल्ला के भागता हूँ अपनी गाड़ी लेने के लिए, मेरे टीम में भी भागे भागे आ रहे थे, वो कहते हैं मैं जल्दी पहले पहुँच चुका हूँ, तभी मैं इसको अपनी गाड़ी में बिठा लेता हूँ फिर रश करते हैं। बिल्कुल
यहाँ पे इन बंदों को भी हम ख़त्म कर देते हैं। बंदे बेचारे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। मेरे टीममेट को एक बंदे पे तो गुस्सा आ चुकी थी क्योंकि बिग तो बॉट की तरह फायर कर रहा था। यहाँ पे यार मेरा टीममेट यहाँ पे कुछ करके गया था डिगिंग, हम भी थोड़ी डिगिंग करते हैं, हमें भी एक लॉस्ट ट्रंक मिल जाता है। यार मैंने तो सोचा था ट्रेजर मिलेगा हमको, बढ़िया था, क्रेट ओपनिंग करेंगे उससे, लेकिन हमें मिलता क्या, एक सस्ता सा डब्बा मिलता है। यार सस्ते से डब्बे से हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब आगे हम रश करते हैं, अब आगे देखते हैं हमें भी जाना, हमको पहले जोन में चलते हैं। और जोन में जाते भी देखो यार पबजी के नशे देखो, मतलब बिना बंदूक के मेरा कैरेक्टर जो है बाहर नहीं आता। और ये नशे कभी खत्म नहीं होंगे यार पबजी वाले घर पर रुके। मेरे टीम मेट भी देखो आपको कभी नहीं, फिर आगे आते हैं फोन के लिए। उधर यार हमें एक ड्रॉप देखता है, कॉल देता हूँ जल्दी 155 डिग्री पे ले ले हमें ड्रॉप लूटना, क्योंकि लूट बढ़िया बढ़िया लूट होगी तभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे यार। AWM M249 तफाई बचा लेंगे, तफाई अगर मिल गया था। मैं मेरा टीम में बहुत खतरनाक ड्राइविंग कर रहा था, फास्ट एंड फ्यूरियस टीममेट से कहता हूँ भाई थोड़ा आराम से चला, अगर हमारी गाड़ी फ्री है ना तीनों यहीं पे, तीनों की पेटी बन जाएगी यहीं पे। तभी यार हम ड्रॉप कर जान रखते हैं सामने, हमें ड्रॉप भी दिख जाता है सामने, ड्रॉप देखते हैं पानी बना रही गाड़ी भी थोड़ी डैमेज थी। हमने सोचा ये US लेंगे, लेकिन मैं अपनी टीममेट कहता हूँ अभी मतलब पहले ड्रॉप के साथ चल आते हो लेंगे। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि यार ड्रॉप तो पानी में भरा हुआ है, हम अपनी गाड़ी दोबारा से घुमा लेते हैं, हम दोबारा से अपनी गाड़ी घुमाते हैं US लेते हैं। हम अपनी टीममेट से कहते हैं यार तू मत चला यार, तू मत तेज चला रहा है, यहाँ पे US ले लेते हैं। मैं जल्दी से ड्राइव कर लेता हूँ उसको, ड्राइव करते चलते ब्रिज पे लगे जाए। तो हम चलते हैं आगे की साइड, जैसे ही हम जाते हैं आगे ब्रिज की साइड पर चलते हैं, आपको बताते हैं क्या होता है। अब हमारे ड्रॉप को तो मान पास दो में ले रहे हैं समुद्र में, पानी ड्रॉप तो नहीं मिल पाया, क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, हमने प्लेयर अभी पड़ी हुई है, हम भी चलाएंगे। साइड में से ना फुट स्टैप आते हैं हल्के से और एकदम से गायब हो जाते हैं, तभी मैं अपने टीम मेट से कहता हूँ कि भाई फुट स्टैप आए, तभी नंबर 3 भी बोलता है कि हाँ भाई मेरे को फुट स्टैप आए। जैसे फुट स्टैप आते हैं और देखो एक और पबजी के वैसे देखो मेरा कैरेक्टर चल कैसे है, देखो भाई तो इसका एक ग्लिच है, इसको अगर हम स्कोप खोल के बंद कर देंगे तो फिर सही हो जाता है, या प्रोन करके एक बार खड़े हो जाएंगे तो भी सही हो जाता है। तो हम रश करते हैं इधर की साइड, कोई दिख तो रहा नहीं था। मेरा टीममेट कहता है यार कोई नहीं है, तेरे को वहम हो रहा है ऐसी, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं यार फुट स्टैप आए थे पक्का, मेरे को सुनाई दिए थे यार लेफ्ट साइड में। और भाई वैसे भी एक बार चेक करने में हमारा क्या जाता है, तो हम चेक कर लेते हैं। और भाई इधर एक सब्सक्राइब नहीं यार सरप्राइज पड़ा हुआ पड़ी हुई यार, एक बेचारी फायर करती है लेकिन हम तीन चार में से धर लेते हैं। अरे मेरी आधे से ज़्यादा गोली तो पैन में लग गई उसकी, और भाई क्या ही लूट थी इसके पास, 6x 8x 2x 3x सब रख के बैठा था बंदा, किसी चीज़ की कमी नहीं थी भाई। और रैमो तो इतनी सारी थी ना, मेरे टीममेट सारी लपेट गई। इस बंदे को मारते यार मेरा टीममेट बोलता है यार एकदम ब्रिज को बीचों बीच चला प्लेयर, बीचों बीच प्लेयर चला देते हैं। फिर मेरा टीममेट कहता चल थोड़ा देर इंतजार करते हैं, अपना ड्रॉप का ड्रॉप आएगा तो लूट लेंगे। और मेरा टीममेट इसके एडवांटेज भी बताएगा कि रोड के बीच में मतलब ड्रॉप मंगाने क्या एडवांटेज है। आप सुनना मेरे टीममेट से क्या मस्त मस्त बातें बताता है मेरा टीममेट। ऑन माय वे। तो यार अभी हम ऐसे ही आने लगते हैं इधर की साइड ना, हम आगे के साइड से थोड़ा मेरा टीममेट कह रहे थे यार उधर की साइड कोई हो सकता है शायद नहीं होता, तो मैं ऐसे स्काउटिंग करने लगे। तभी मेरे को लेफ्ट साइड से गाड़ी की आवाज़ आई, भाई मैंने तो गाड़ी से उतार लेता हूँ बेचारा पूरा हुआ यार उसके साथ। ब्रिज ब्लॉक कर, ये सोच रहा था मैं फुल बूस्ट दे के ब्रिज पार कर लूंगा, कोई मेरे को मार ही नहीं पाएगा, कोई देख ही नहीं पाएगा। ओके मैं ऐसे निकाल दूंगा ना, कोई मेरे को देख ही नहीं पाएगा। लेकिन मेरे को साउंड आ गई, मैंने इसको पहले ही धर दिया, इसको मार दी अपनी एनर्जी ड्रिंक, यानी रेड बुल पी लेते हैं यार। रेड बुल पीते आपको पता ना विंग्स आ जाते हैं। और तभी यार जब मैं रेड बुल पी रहा होता हूँ, मेरा टीम से गाड़ी लेके आ रहा होता है, उधर एक नेट फूटता है। मेरे को शक तो हो ही रहा था कोई ना कोई तो है ब्रिज पे पक्का, कोई ना कोई तो बैठा हुआ है। लेकिन बहुत बड़ा कैंपर है, आपको आगे जाके पता चलेगा वो किधर कैंप कर रहा था, और बहुत बड़ा कैंपर है गाइस, तो देख लेना। वो एक भी गोली नहीं चलाता अभी, और बाद में इतना बुरा होना था भाई, पता नहीं क्या करता है लोगों कैंप में, क्या यार मिलता है उतना ड्रॉप भी आ जाता है हमारा, तो हम भाग के ड्रॉप लूट लेते हैं। यार
माना अच्छी बंदूक है लेकिन फिर भी कौन चलाता है। तभी यार मेरे को एक बाइक की और एक बग्गी की आवाज आती है। मैं अपने टीममेट से कहता हूँ यार एक हाथ को तो गिरा दो, लेकिन मेरे टीममेट यार एक को भी नहीं गिरा और दोनों दोनों पे डी पी यार एक भी बंद गिराया। बहुत बुरा किया है इन्होंने। जब तक यार मैं ब्रिज पे जाता हूँ यार जब तक पैसा मार चुके होते हैं, मैं अपनी एडवेंचर निकालता हूँ इन्हें स्काउट करने के लिए। तभी यार मेरे जो तीन नंबर था ना टीममेट, उसको जो बहुत बड़े वाला कैंपर था ना वो उसको धर लेता है, यहाँ पर उसको डी पी से लुड़का देता है। वैसे ही मैं एक स्मोक डाल देता हूँ अपने टीममेट को रिवाइव करने के लिए। मेरा टीममेट रिवाइव हो जाता है, मेरा नंबर वन है यार, वो नंबर वन सही में नंबर वन है भाई मेरा, एकदम मस्त दोस्त है पक्के वाला। तो वो यहाँ पे उसको रिवाइव कर देता है। मैं देख लगता हूँ यार वो इतना बड़ा कैंपर है ना मेरे को अभी भी नहीं दिखता, और मेरा टीममेट कहता है मेरे को दिख चुका है वो, मैं उसको मार दूंगा यार। लेकिन मैं सोचा था काश मेरे को किल मिल जाए, मैं उसके हेडशॉट मारना चाहता था एडब्ल्यूएम से। लेकिन मेरा टीममेट देख लेता है, उधर लेता है वहीं पे। तभी मेरा टीममेट बताता है मेरे को तब भी नहीं दिखता है, इतना बड़ा कैंपर था मेरे को तब भी नहीं दिखता। यही मार देते हैं यार उसको, निपटा दे इन्होंने। अब दिखा देख लो पता नहीं कहाँ पे कैंप मार रहा था यार, कौन चढ़ता है यार। यहाँ पे जोन भी नहीं था, मैं अपने टीममेट से कहता हूँ चलो जोन में निकलते हैं अपना, मैं गाड़ी उठाता हूँ जोन में निकल जाते हैं। उसमें यार फ्यूल थोड़ा कम था तो हम अपने डासिया उठाते हैं, जो डासिया बंदा लेके आया था वो डासिया उठा के सीधा रस कर देते हैं, और मैं अपनी एमसीएम में 6x जो लगा लेता हूँ, फिर से राइट रोड लगा लेते हैं। आगे चल के काम आता थोड़ा लॉन्ग ड्राइव मारने के लिए, कोई आ जाए तो मैं उसे कहता हूँ यार रस करते हैं आगे। इधर से फ्यूल स्टेप तो आए थे लेकिन हम लोगों ने इग्नोर करते हुए हम आगे की साइड गए। तभी इधर यार ब्लू वाले हाउस में बंदे कैंप मार रहे थे। वैसे जैसे मेरा टीममेट यहाँ गाड़ी रोकता है, भाई ये बंदा सोचता है यार नेट से उड़ा दूंगा सबको। तभी इसके एक हेडशॉट मारता हूँ, यहाँ पे यार थोड़ी सी कॉम्प्रो कर लेना यार, पता नहीं कैसे वॉइस ऊपर नीचे हो गई है गेम प्ले की। कोई बात नहीं यार, अब तो यार एक बात आपको टिप देना चाहूँगा मैं, किसी भी घर में रश करो ना थोड़ी बहुत टिप लगा दिया करो, और नेट मॉली तो जरूर करा करो यार, नेट मॉली तुम्हारा काम कर देंगे तो मैं रश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथी को दोनों को धर लेते हैं, इनकी स्क्वाड यहीं पे निपट जाती है, बेचारा कोई कुछ नहीं कर पाता। इनके पास से मस्त मस्त लूट ले लेते हैं हम, और लूट लेके हम ब्रिज की तरफ थोड़ा स्काउटिंग करते हैं, क्योंकि बंदे वहाँ पे कैंप मार रहे थे यार, उनको हमने उस टाइम पे इग्नोर कर दिया। तभी मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ यार बग्गी के टायर फोड़ देता हूँ ताकि बग्गी लेके आ ना पाए, क्योंकि बग्गी के टायर फोड़ता हूँ। लेकिन यार फूट ही नहीं रहते, पता नहीं कौन से बग्गी के टायर लगा के रखे थे, MRF के टायर लगा के रखे थे अपनी बाइक में, बग्गी में बाइक में नहीं। तभी यार मेरे को बाइक की आवाज़ आती है, मैं देखता हूँ यार बाइक वाला है किधर, मेरे को देख नहीं रहा था कोई भी, और हमें जोन में भी जाना था। तभी मेरे को मास्टर लोकेशन, और मेरे को बाइक वाले दिख भी जाते हैं भाई, ये तो ऐसे निकल जाते हैं ना बिल्कुल हवा की तरह जोन में। ये मेरे को थोड़ा बहुत स्प्रे देता हूँ, उनके नहीं लगता यार, बाइक पे बहुत तेजी में निकल गया। एनिमीज अहेड, मारने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या पता लग जाए। तभी मैं देखता हूँ यार की उसी वाले कंपाउंड दो घर गए वहाँ पे, मेरे टीम में भी मार कर देते हैं कि ये बंदे वहाँ पे रुक चुके हैं। मैं कहता हूँ फिर इंतजार का बात है, गाड़ी लेके आओ रश करते हैं उन पे, चिकन डिनर ले लेते हैं। गाइस ये हमारी जो फर्स्ट वॉइस ओवर मेरी रियल वॉइस के साथ थी, हो जाता यार ऐसी सपोर्ट दिखाते रहना यार। बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मैं आप सभी का यार, यहाँ पे हमारा चिकन डिनर हो जाता है और हम यहाँ पे मेरा यार मेरे साझा खेलते लेके मेरा टीम में टाइम भी बन जाता है। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे हम मस्त वाला डांस भी करके दिखा देते हैं मेरी प्यारी प्यारी दो अखियाँ। चिकन डिनर हो गया, ऐसी सपोर्ट दिखाते रहो यार और क्या चाहिए।